नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला पश्चिम चंपारण नौतन प्रखंड के राम जानकी मंदिर में आरोही जन कल्याण संस्था के माध्यम से गरीब परिवार में उत्पन्न हुए 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह देखने के लिए सामने आया। आरोही जन कल्याण के सदस्य के द्वारा पंडाल आदि की व्यवस्था की गई। रथ पर सवार होकर 14 कन्याओं का दुल्हा विवाह मंडप में आए। साजबाज के साथ सामूहिक विवाह में घोड़ा का दौड़ देखा गया। सामूहिक विवाह देखने के दर्शकों का भीड़ का वर्णन नहीं हो सकता। विवाह देखने के लिए लगभग 10,000 से ऊपर माता और बहनें और पुरुषों का अधिक रहा। पंडित जी वेद मंत्र के द्वारा विवाह प्रारंभ कर विवाह को संपन्न कराए। वर्तमान जिला प्रत्याशी अवध किशोर यादव का गाना है कि हर साल सामूहिक विवाह आरोही जन कल्याण संस्था के माध्यम से होता है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक हाई स्कूल के डायरेक्टर अवधेश यादव का भी इसमें अहम भूमिका दिखाई दिए। कोषाध्यक्ष प्यारेलाल चौरसिया, आरोही जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मुनीलाल पासवान आदि उपस्थित हुए और ब्लॉक को संपन्न कराए। तन्नौतन थाना प्रभारी अनिश कुमार पांडे ने पुलिस बल के साथ निरीक्षण किए। पुलिस वाले शांति बनाने में अहम भूमिका दिखाई। नौतन थाना अध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने 14 कन्याओं के लिए पायल भेंट किए। जिला ब्यूरो तिल्लो की राय की रिपोर्ट। 11 कन्याओं का विवाह आज मंच के माध्यम से होने जा रहा है। मंच पर से होने जा रहा है। सबका सुविधा है।